स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं मीरा बाइंदा से जुड़ी खबरों पर एक नजर। नमस्कार, उज्जवल भारत समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज भाईंदर वेस्ट के विनायक हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और मुद्दा था डिम्ड एंड कन्वेंस का। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था मीरा रोड ईस्ट में, जिसमें कि जो आज के डेट में लगभग 90% जो बिल्डिंग है उनका डिम्ड कन्वेंस होना बाकी है और ये खास मुद्दा है हमारे मीरा भाईंदर शहर का। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की ओर से मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, जो कि जिनका डिम्ड कन्वेंस नहीं हुआ है उनके लिए, ये घर घर जाके और एक मुहिम छेड़े हुए हैं ताकि लोगों का डिम्ड कन्वेंस हो। इसी क्रम में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें महाराष्ट्र के स्टेट सचिव भी यहाँ पे आए। उन्होंने पुरजोर जो भी यहाँ पे बिल्डर्स, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तरफ से लगभग 15 बिल्डर्स जो हैं जो मनमानी करते हैं, डिम्ड कन्वेंस नहीं देते हैं, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज किया गया है और लगभग 15 और लोग हैं जो विचाराधीन हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज होना बाकी है। तो आइए अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुनवाते हैं कि यहाँ जो भी महाराष्ट्र के सचिव आए थे उनका इस पे क्या कहना है और यहाँ जो थाने पालघर जिला के जो संगठन मंत्री है नरेंद्र भवानी, उन्होंने क्या कहा और उनके पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए हम सुनवाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार हम लोगों ने 1.5-2 सालों से मीरा भाईंदर के अंदर कन्वेंस को लेकर एक मुद्दा उठाया है कि लोगों की जो ज़मीन है जिस पर उनका मालिकाना हक है, लेकिन कुछ बिल्डरों के खिलाफ जो बिल्डर हैं वो उनके मालिकाना हक को देना नहीं चाहते और हर एक बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने दलाल पाल रखे हैं जो उन लोगों के पास पहुंचकर कन्वेंस के लिए मोटी रकम ली जाती है और फिर उनको कन्वेंस दिया जाता है, जबकि कन्वेंस का जो पूरा का पूरा देने का जो अधिकार है वो बिल्डर का है। बिल्डर को इसे मुफ्त में देना चाहिए हर सोसाइटी को, पर वो ऐसा करती नहीं है और इसीलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मीरा भाईंदर के सभी सोसाइटियों को जागरूक करने के लिए और साथ ही जो बिल्डर माफिया मीरा भाईंदर में है बड़े बड़े, उनको सचेत करने के लिए किया जा रहा है। सर देखिए, कन्वेंस का मुद्दा ऐसा है कि जब तक बिल्डिंग ठीक ठाक चल रही है तो किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे बिल्डिंग जर्जर होने लगती है या गिर जाती है तो इन लोग एक भेड़िए की तरह बिल्डर वापस आ जाता है। आप देखिए, सेक्टर 4 शांतिनगर में एक बिल्डिंग गिरी तो 12 साल से ये लोग बाहर हैं, 12 साल से वो जो रहवासी है बाहर हैं और अब भी उनको कन्वेंस होके मिला, डीम्ड कन्वेंस होके मिला और उसके बाद उसको रीडेवलपमेंट में जब जाते हैं तो बिल्डरों के लिए कोई रूल नहीं होता है, ULC क्लियर है, सब क्लियर है, लेकिन जब वो रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी जाती है या दूसरे बिल्डर को लेके आते हैं तो दुनिया भर के रूल उनको बताए जाते हैं कि आपका हम वापस प्लान पास नहीं करेंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो बड़े बिल्डर हैं वो चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन से पैसे बनाए, हमारे बच्चे भी उससे पैसे बनाए, दूसरी जनरेशन आ जाए और हम फिर पैसा बनाए और FSI का जो भी लाभ हो हमको मिले। और जैसे जैसे बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की लाइफ 20 साल हुई है और 20 साल बाकी है तो आपको अच्छा टर्म्स देंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग 40 साल की हो गई है तो बोलेंगे आपको 5% देते हैं। बिल्डिंग गिर गई है या डायपलेटेड घोषित की गई है तो बिल्डर लोग क्या बोलेंगे कि आप हमको 2,000 रुपया पर स्क्वायर फीट उल्टा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दो तो आपको उतनी एरिया ही देंगे। मतलब पूरा FSI, मतलब आपका बार्गेनिंग पावर क्यों नहीं है, क्योंकि आपका कन्वेंस नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता है, बिल्डर से कौन लड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुहिम उठाई है, ये चालू किया है, हम लोग ने 1.5 साल से निरंतर लड़ रहे हैं, हमने 15-16 FIR किए नामचीन बिल्डरों से और हमारे कुछ 15-20 एप्लीकेशन FIR के पेंडिंग है, 2-3 केसेस में चार्जशीट भी हुआ है, 1 केसेस में तो बोर्ड में भी मैटर था कल। तो जब तक 2-4 बिल्डरों को जेल नहीं होगी ना, एक बार अगर 2 बिल्डरों को जेल हो गई, 2 साल की सजा है मुफा में इसमें, इनको जेल हो गई हाँ और इनको फिर अपील में जाना पड़ेगा तो ये सब बिल्डर 2 दिन में लाइन में आ जाएंगे। तो ये क्या है कि ये लोग रखड़ाते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए, म्युनिसिपैलिटी जरा भी कोऑपरेट नहीं करती है। आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको बता दूँ शांतिनगर में कुछ 500-600 बिल्डिंग है, अगर आप रचना विभाग में जाएंगे
और आप बोलोगे कि मुझे फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्डिंग का, मेरे बिल्डिंग का चाहिए, वो आपके सामने 25 फाइलें रख देगा और बोलेगा इसमें से ढूंढो। RTI में आप देखो उधर शांति नगर तो उसकी 600 बिल्डिंग है, आप 600 बिल्डिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगने वाला है वो नहीं देंगे। इनके पास सब प्लान होता है बिल्डिंग वाइज, आप एक बिल्डिंग में थोड़ी सी एक टाकी बनाओ एक्स्ट्रा तो ये प्लान लेके आ जाएंगे, लेकिन आप जाओ तो आपको अपनी बिल्डिंग का प्लान ही नहीं मिलेगा। और दूसरा मुद्दा है कि ये वॉयलेशन मोफा का है जो ज़मीन के कारण है। म्यूनसिपैलिटी आँख बंद करके ये मानती है कि जिसका 712 पे नाम है वो 712 पे नाम है, बस वही ओनर है। अब उसको पता है कि यह सोसाइटी बन चुकी है, हम सोसाइटी से टैक्स ले रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी टैक्स ले रहे हैं सोसाइटी से, तो सोसाइटी की बिल्ड वहाँ बन चुकी है तो कन्वेंस होना चाहिए। अभी बिल्डर का फॉल्ट है और उसी फॉल्ट की वजह से उसको एडवांटेज दी जाती है। आप सोचिए, आप कुछ गुनाह करते हो तो आपको सजा होती है, यहाँ पे ये ऐसा गुनाह है कि आपको उसका फ़ायदा मिलता है उस गुनाह करने का, और म्यूनसिपैलिटी देती है। कई लोगों के ज़मीन ज़बरदस्ती अक्वायर कर लेती है क्योंकि 712 पे बिल्डर का नाम है, FSI कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, अभी 3 का FSI हो गया, तो ये सोसाइटी की बिल्डिंग कहीं भी FSI यूज़ करेंगे और फिर वो लोग जो रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो उनको FSI मिलेगा नहीं। तो ये सब मुद्दे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी भी इनको ब्लैकलिस्ट करे। मैडम, लीज की प्रॉपर्टी का कन्वेंस होता है, ये एक मिथ फैलाया जा रहा है कि लीज का प्रॉपर्टी का कन्वेंस नहीं होता है। और वो लीज की प्रॉपर्टी शांति नगर की है, वो 99 ईयर्स के लिए नहीं है, 999 ईयर्स के लिए है। तो 999 तो हम पता नहीं कहाँ प्राचीन काल में पहुँच जाएंगे। हाँ, तो वो 999 ईयर्स के। और देखिए, ये जो सेक्टर 4 की जो सोसाइटी थी, हाँ रश्मि ने डेवलपमेंट किया, उसका कन्वेंस कैसे हुआ? इन लोग गए, इनको पूरा फैलाया गया था, मैं भी मानता था कई सालों तक लीज का कैसे कन्वेंस होगा, फिर मैंने कई जगह पढ़ा तो नहीं लीज का कन्वेंस हो सकता है, मैंने पढ़ा। इन लोग गए तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, ये जो सेक्टर 4 वाले, उनको एक कल्याण की सोसाइटी वाले मिला, उन्होंने बोला हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लीज की प्रॉपर्टी का कन्वेंस क्यों, वो जजमेंट लगाया, उसके बाद वो DDR ने उनको डीम्ड कन्वेंस दिया। तो ये लीज की प्रॉपर्टी का कन्वेंस नहीं है ना, ये झूठ। किसकी? हाँ, भाड़े पे हैं लोग भाड़े पे हैं। हाँ, बिल्डिंग क्यों नहीं बनी है? कन्वेंस हो गया, ये बात पक्की है। बिल्डिंग इसलिए नहीं बनती है क्योंकि बिल्डर को बोला, इनको बोला गया था कि ULC का पैसा भरना है आपको, जबकि ULC का पैसा किसको भरना है? बिल्डर को। यहाँ पे अगर हम एक ऑर्डिनरी आदमी रीडेवलपमेंट में जाएगा या दूसरे बिल्डर को लाएगा तो ये लोग दुनिया भर के कानून बताएंगे। अगर ULC का पहले से था मैटर तो यही बिल्डिंग कैसे बनी थी, और वो ULC का पूरे प्लॉट पे है, तो इनसे पैसा लेंगे। अभी वो मैटर सेटल हो रहा है, उन्होंने को बोला है कि अभी 40 लाख नहीं भरना है आपको, 4 लाख भरना है। ये लेटेस्ट परसों की बात है, वो बिल्डिंग के लिए जो चंद्र लिया ना सेक्टर 4 में। हाँ, तो 4 लाख भरना है। ULC का मैटर है, दूसरा स्टेट इन्वेस्टमेंट का मैटर भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। स्टेट इन्वेस्टमेंट का मैटर भी यही है कि एक बार बिल्डिंग बनी, अभी आपको कन्वेंस चाहिए तो NOC क्यों भाई? जब आपने बिल्डर को दिया तब किसने NOC लिया था, और तब NOC अगर ले लिया गया था तो आज NOC फिर क्यों चाहिए हमको? वही प्रॉपर्टी आप दूसरी बार बेच रहे हो। तो अभी तो स्टेट इन्वेस्टमेंट कितना ले रहा है, 130 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो सोचो कितना ह्यूज अमाउंट होगा आपका। 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK है तो आपको करीबन 1 लाख रुपया भरने को आएगा एक एक फ्लैट को। हाँ, और ऐसे कितनी 5,000 एक सोसाइटी को 40 लाख 50 लाख भरेंगे तो ये लूट मचाइए, जो कि पूरा इल्लीगल चार्ज है। आज का जो दिन है, हमें लगता है कि मीरा भाईंदर वासियों को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की ओर से मीरा भाईंदर में रहने वाले जो लोग हैं ये इस विषय पे काम कर रहे हैं, और ये विषय जो है कन्वेंस डीड का, ये सिर्फ ना मीरा भाईंदर बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य को दिशा देने वाला विषय है, ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए आपको पता है, अभी तक 32 सोसाइटीज़ ने कंप्लेंट की है, उसमें से 16 सोसाइटीज़ के जो माध्यम से 16 बिल्डरों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, और 3 बिल्डरों के ऊपर चार्जशीट दर्ज हो गई है। अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि सेक्शन 11, सेक्शन 13 या सेक्शन 409 भी लगना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि सेक्शन 9 के साथ में 420 भी लगना चाहिए,
420 का क्या मतलब होता है? चीटिंग। आम आदमी जिंदगी की पूरी कमाई लेके खून पसीना इकट्ठा सब खर्च करके जो कमाई होती है उसका एक सपना रहता है, रोटी कपड़ा और मकान का सपना होता है, घर का सपना होता है, उसके लिए वो घर खरीदता है, बैंक से लोन लेता है ना 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, और बिल्डर के ऊपर विश्वास रखता है। मोफा एक्ट के तहत अगर सरकार ने बोला है कि पजेशन के बाद में, सोसाइटी के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद में 4 महीने के अंदर अगर बिल्डर ने कन्वेंस नहीं किया होगा, तो इसका मतलब बिल्डर ने जो लोग हैं जिन्होंने खरीदा है घर उनको चीट किया है, सही बात है ना? तो 420 के ऊपर भी हमें उसमें डालना पड़ेगा 409 और 420 बाय डिफॉल्ट। दोस्तों, आज से मीरा भाईंदर में हम मेरा घर मेरी जमीन ये अभियान को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो 32 लोगों ने, 32 सोसाइटीज़ ने कंप्लेंट की, उनको तो तहे दिल से सैल्यूट तो करना ही चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी सैल्यूट करना चाहिए। दाते साहब ने काफ़ी अच्छा हमें गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और हमें फियरलेसली बिना डरे वो बोल रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हो, संवैधानिक कार्य कर रहे हो। हम पिछले 2 हफ्ते पहले महानगर पालिका के कमिश्नर को भी मिले, वो भी हमें अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, दाते साहब से मिले वो भी हमें अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। इसीलिए हमने जिन 16 बिल्डरों ने, बिल्डरों के ऊपर संविधान के तहत FIR दर्ज हुआ है, कमिश्नर को महानगर पालिका के पत्र लिखकर कहा है कि इन 16 बिल्डरों ने मीरा भाईंदर में रहने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए इनको जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको परमिशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने यह खत लिखा है। ये कौन से बिल्डर हैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बता देते हैं, जो कि आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बोले। और मीरा भाईंदर में जो लोग इन बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट में घर खरीदना चाहेंगे वो 10 बार सोचे, क्योंकि ये बिल्डर अभी तक जितने प्रोजेक्ट है वहाँ पे उन्होंने कन्वेंस नहीं दिया है, लोगों के हक की जमीन उनको दी नहीं है। श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, स्टर्लिंग होम मेकर्स कंपनी, साई प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी, कनाकिया प्रॉपर्टीज, रॉयल एसोसिएट्स, यूनिक शांति बिल्डर्स, सुंदर आंगन डेवलपर्स, यूनिक शांति बिल्डर्स, सागर कंस्ट्रक्शन, शांति स्टार बिल्डर, अवनी बिल्डर्स, MU ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री लक्ष्मी हाउसिंग बिल्डर। दोस्तों, अभी ये बिल्डर्स किधर कनेक्शन है हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, कौन से राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में किसका क्या सेटिंग है, किसका क्या है, वो पिछले कई सालों से आप सभी को मालूम है। लेकिन इन बिल्डरों को महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको हम इसका अभी फॉलोअप करेंगे कि इन बिल्डरों को कंस्ट्रक्शन के लिए अभी आप तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज, मीरा भाईंदर में अभी तक जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हुई है, आपको पता है कि पिछले संडे में हमने इस विषय में एक सेमिनार रखा था, मीरा भाईंदर के लोगों ने काफ़ी अच्छा, सोसाइटी के सेक्रेटरीज आए थे, चेयरमैन आए थे, कमेटी मेंबर्स आए थे, उन्होंने प्रतिसाद दिया। हम वहाँ से और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं मीरा भाईंदर के लोगों के लिए। मीरा भाईंदर में जितनी बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंग का, कितने बिल्डिंग का कन्वेंस हुआ है, कितने बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हुआ है, इसके बारे में RTI करके DDR के माध्यम से हम ये जानकारी का RTI 2 दिन पहले किया है। ये जब जानकारी हमारे पास आ जाएगी पूरी, तो जितने जितने सोसाइटीज़ में कन्वेंस नहीं हुआ है उन लोगों को हम इस मेरा घर मेरे जमीन इस आंदोलन के माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट करिए, ऐसा आह्वान कर रहे हैं। जैसे आपने एक प्रश्न उठाया था कि अमुक फलाना फलाना बिल्डर जो है वहाँ पर प्रश्न है, वहाँ पर नहीं हो रहा है, कृपया हमें बताइए, हम आपके सोसाइटी में आएंगे, आपके सोसाइटी में लोगों के साथ में बैठ के ट्रांसपेरेंट चर्चा करेंगे, लोगों के अज्ञान का, लोगों को जो चीज़ मालूम नहीं है या गलत चीज़ बता के डर का माहौल पैदा करके बिल्डरों की जमात में, सभी हम सभी बिल्डरों को दोष नहीं दे रहे हैं, जिन 20% बिल्डरों ने कन्वेंस किया है हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन जो 80% बिल्डर है जिन्होंने अभी तक कन्वेंस नहीं किया है उनको हम संवैधानिक मार्ग से
विनंती करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और जहाँ पे जो लोग हैं उनको अगर कुछ प्रश्न होंगे उनके सवालों के जवाब देंगे, उनको हम अवेयरनेस भी करेंगे कि देखो ये कन्वेंस ऐसा होता है, इसके लिए हजारों लाखों रुपए की ज़रूरत तो डेफिनेटली नहीं लगती, बहुत सस्ते में ये कन्वेंस हो सकता है। आरटीआई के बाद में हमारे पास जानकारी जब आएगी, उस जानकारी के अधिकार पे यहाँ पे जो कंपनी है जो पूरा लैंड ओन करती है 120 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, 130 रुपया प्रति स्क्वायर फीट का नया लाके, या जो जो लीज लैंड है, ये कन्फ्यूजन जो चल रहा है इसके बारे में हम माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में आरटीआई के जानकारी के साथ साथ ही हम गृह निर्माण मंत्रालय है, गृह निर्माण विभाग है, कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, महानगर पालिका कमिश्नर है, उनके साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है। अगले 30 से 45 दिनों में क्या सरकार से हमें जानकारी मिलती है वो आती है हम देखेंगे, नहीं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय में रिट पिटीशन दाखिल करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे पास वकीलों की फौज है और जनता के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक अंत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपसे बोलना चाहता हूँ। हम जब घर खरीदते हैं हमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किसको देना पड़ता है? पैसा सरकार को देना पड़ता है। सरकार ने कायदा बनाया है कि बिल्डर की जिम्मेदारी है कि बिल्डर ने कन्वेंस डीड करना चाहिए, सही बात है ना? बिल्डर कन्वेंस डीड करता है क्या? नहीं करता है। सोसाइटी में जो लोग हैं अपना रोटी कपड़ा मकान के जरिए घर के जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर इतने उलझे हुए रहते हैं कि उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। हम इस रिट के माध्यम से आगे जाके आप एक बात समझ लीजिए, अगर सरकार ने अगर बिल्डर को आदेश दिया कि आप अभी तक जितने बिल्डिंगें बनाई है वहाँ का कन्वेंस डीड कंपलसरी अगले 30 दिनों में आपको करना है, अगर सरकार ने ऐसा जीआर बनाया तो जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, बिल्डर के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, बिल्डर उनको नचा रहा है कठपुतलियों जैसा, ये जो परिश्रम हो रहे हैं जनता को, पूरे महाराष्ट्र के जनता को ये जो तकलीफें हो रही है वो बंद हो सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आगे जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो मंत्रिमंडल है उनके माध्यम से एक जीआर लाने के लिए भी प्रयास करेगी, जो कि विधानसभा के विधिमंडल में इस विषय पर चर्चा हो, और सरकार के जीआर के तहत बाय डिफॉल्ट कंपलसरी बिल्डर को कन्वेंस डीड देना है, मोफा का 1963 का कानून जो है उसका रेफरेंस लेके, जिसकी वजह से हम सभी का जिंदगी आसान होगी, हमें डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फॉलोअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो FIR है वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को अच्छा नहीं लगता किसी के खिलाफ FIR करने में, तो आम आदमी पार्टी का ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है मेरा घर मेरी ज़मीन, उसमें आप सभी मीरा भाईंदर के लोगों ने इसमें हमें साथ देनी चाहिए। महानगर पालिका ने जो बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उनको वापस परमिशन न दे, उनका जो काम चल रहा है काम उनको तुरंत आदेश दे के उनके साइड से प्रेशर आना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने बचे हुए 16 जो बिल्डर्स हैं जिनके ऊपर FIR नहीं दर्ज हुए हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए हम आपके माध्यम से विनंती करते हैं पुलिस कमिश्नर को और सभी को, और हम संवैधानिक मार्ग से सभी के साथ में प्यार मोहब्बत से इस प्रक्रिया में काम करने के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आने वाले दिनों में 3 या 4 महीने के बाद आपको पता है महानगर पालिका का चुनाव है, कुछ बिल्डरों ने अभी लोगों को कहा है, लेटर भेजा है, जैसे कनाकिया बिल्डर है कि मैं हम आपको 6 महीने के अंदर कन्वेंस डीड करके दे, जो बिल्डर अभी तक 5 साल 6 साल 10 साल में नहीं कर सका वो 6 महीने का क्यों अंदाज लेता है? दोस्तों, कन्वेंस डीड करने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो मैं अंत में एक मुद्दा आपको बोलना चाहता हूँ मीरा भाईंदर में रहने वाले लोगों को, कि ये बिल्डर आपको लॉलीपॉप दिखा सकते हैं, गाजर दिखा सकते हैं कि हाँ हम आपको कन्वेंस देंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में कन्वेंस का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर गर्म हो सकता है, चुनाव के बाद में मुद्दा ठंडा हो सकता है, इसलिए आपको 6 महीने का गाजर देंगे। आप ऐसे पत्र आएंगे हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैक्सिमम 20 से 25 दिनों में ये होना चाहिए, उसके लिए हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि अभी लोहा गर्म है, अगले 3 महीने में होगा तो आम आदमी पार्टी इस प्रक्रिया में आपके साथ में साथ देगी, और मीरा भाईंदर में जो बचे हुए 80% सोसाइटीज़ है उनका कन्वेंस का भी
अगले 3 महीने में करने का हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे, यही हम आपको कहना चाहते हैं। बोलता हूँ मैडम, दिल्ली का सरप्लस 2015 से लगातार सरप्लस है, तो और ये तो मुझे अजीब लगता है, जो बीजेपी वाले हैं वो दिल्ली एक राज्य है और श्रीलंका एक कंट्री है जो फॉरेन एक्सचेंज हैंडल करता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो एक राज्य को पहली बात तो एक कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग हमारे लिए हमारा हम अच्छा मानते हैं कि भाई हमारे राज्य को आप एक कंट्री से कंपेयर कर रहे हो, कंट्री कंट्री की कंपेरिजन होती है ना, और हमारा सरप्लस में बजट रहा है, और आप देखिए ये सब जगह हो सकता है, दिल्ली का बजट तकरीबन 66,000 करोड़ है और 2 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 32,000 एक आदमी पे आता है। महाराष्ट्र का बजट 5 लाख करोड़ है और 12 लाख का पॉपुलेशन है, तो वो भी उतना ही होता है, उससे ज़्यादा आ रहा है, उल्टा 40,000 पर पर्सन आता है पर साल का, तो आप देखिए 32,000 रुपया पर पर्सन बजट है उनका भी दिल्ली का, वो बिजली फ्री दे रहे हैं और वो राशन भी फ्री दे रहे हैं और शिक्षा भी फ्री दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मीरा भाईंदर का बताता हूँ, लास्ट 5 साल से 2017 से दूर मत जाइए, 9,000 करोड़ का बजट हो चुका है, अभी 2,200 करोड़ का बजट है और पहले 1,800 करोड़ था, फिर 1,600, 9,000 करोड़ हो चुका है, 9,000 करोड़ का 1% होता है 90 करोड़, 90 करोड़ में 500 बेडेड हॉस्पिटल बन सकती है, इनके पास 1% नहीं है, लेकिन 40% रोड पे है, क्योंकि रोड खोदो, वही रोड बनाओ, उस पर कमीशन पाओ और उससे परेशानी ये करो कि वो रोड के ऊपर रोड बनाओ और आगे जो जिन्होंने टैक्स भरा है उनका घर नीचे हो जाता है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए रोड बना रहे हैं, तो ये सब ये आपको क्या लगता है कि जो ये जो हमारे बिल्डर राजनेता हैं सब, इनको इतनी साधारण अक्ल नहीं है, आप ऐसा मानते हो उनको, ये बड़े बड़े इलेक्शन मैनेज करते हैं तो इनको इतनी अक्ल नहीं है, इनको सब अक्ल है, लेकिन क्या होता है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्चा क्यों नहीं होता है, एक बार 90 करोड़ की हॉस्पिटल बनेगी और उस पर 20 करोड़ हर साल का खर्चा होगा ऑपरेट करने के लिए, तो वो 20 करोड़ में अगर हम रोड बनाएं हर साल 20 करोड़ तो 4 करोड़ हमारी कमीशन निकलेगी, तो इनको लगता है इधर ये हॉस्पिटल बना दी ना तो हर साल का 4 करोड़ हमारा चला गया और एक एक का 20 करोड़ हमारा हर साल 5 साल में चला गया, तो हम बनाएं क्यों, ये तो परमानेंट। आप देखिए मेहता जी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था जब प्रदीप जंगम बैठा था कि हॉस्पिटल चलाना हाथी पालना है, ये इनके शब्द है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, हाथी पालना है, तो इनको लगता है कि ये हाथी पालना हम एक लग्जरी को बोलते हैं, बहुत कोई विलासिता की चीज़ होती है उसको बोलते हैं हाथी पाला हुआ है, कार खरीद लिए, हाँ ये हॉस्पिटल चलाने को हाथी पालना बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है 2018 में, हाँ तो आप सोचो इनकी मानसिकता क्या है, इनको नहीं करना, इनको मालूम है कि गटर तोड़ो गटर बनाओ, अमृत योजना में 104 करोड़ आया था, क्या किया इन्होंने, पूरे गटर के कॉन्ट्रैक्ट दिए खाली, गटर तोड़ के गटर बनाओ सबसे इजी है, किसी को पता नहीं चलता है, और वही साइज़ के गटर बनाए, तो इनकी इनकी नीयत ही नहीं है, ये 10 साल क्या 15 साल रहेंगे तो भी ये नहीं करने वाले, क्योंकि इनको गंगा की सत्ता से पैसा बनाओ और पैसे से फिर सत्ता पे आ जाओ। और एक मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, क्या होता है कि ये फ्री नहीं है दोस्तों, ये लोगों का हक है, मुझे अभी हमने दिल्ली में आपको पता है जो महिलाएँ हैं, अगर महिला सशक्त होगी इस देश की, घर तो चलाती है ना माँ, माँ घर में अगर 100 रुपये आएगा दिन पे, 200 रुपये आएगा या 500 रुपये आएगा या 10 रुपये आएगा, वो देखती है कि घर में रहने वाले हर व्यक्ति को पेट भर खाना मिलेगा, हमारी सोच यही है, हमारी मांग यही है, हमारा विचार यही है कि भारत माता की जय सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, भारत माँ इस देश की महिला सबल होनी चाहिए, इसीलिए अरविंद जी ने क्या किया दिल्ली में, आपको पता है महिला अगर घर पे घर से बाहर निकलेगी तो एक फैमिली का भी डेवलपमेंट होता है, वो घूमती है, वो ऑफिस जाती है, नौकरी धंधे पे जाती है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर में 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया 8,500 करोड़ का हवाई जहाज नहीं लिया, उन्होंने वो 8,500 करोड़ रुपया जो है वो महिलाओं को फ्री में दिल्ली शहर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5 साल के लिए अगर करना होगा तो कितना खर्चा होगा, उन्होंने वो पैसा खुद लग्जरी खुद के लिए नहीं ली, आज दिल्ली एकमेव राज्य है जहाँ पे महिलाओं को फ्री में ट्रांसपोर्ट है, तो अभी आप बताइए इसमें ये फ्री में है कि ये उनका हक है, महिलाओं का हक नहीं है क्या। दूसरी चीज, हम जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, दिल्ली में 3 ब्रिज थे 1,300 करोड़ के ब्रिज थे, और आपको पता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सालों साल चलती है, दिल्ली सरकार ने
वो 1300 करोड़ के जो ब्रिज थे वो 700 करोड़ में कर लिए, बचे हुए 600 करोड़ जो है वो अगर जनता को मुफ्त पानी देने में करेंगे तो इसको मुफ्त कैसा कहेंगे? बाकी राज्यों में, बाकी शहरों में, पूरे देश भर में तो यही तो चल रहा है। आपको पता है अभी नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो क्या चल रहा है। तो ये फ्री है नहीं, ये हक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। और अंत में एक मुद्दा है, जब 2015 में हम सत्ता पे आए, दिल्ली का बजट था करीब 32,000 करोड़, उसी वक्त मुंबई महानगर पालिका अपने बाजू में है, पूरे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका का उस वक्त बजट था करीब 24,000 करोड़, 24 और 32 में अंतर है कितना, 8,000 का। आज दिल्ली महानगर पालिका का बजट 75,000 करोड़ है, मुंबई महानगर पालिका कितना है, 45,000 करोड़। क्या होता है, करप्शन सिर्फ काम में, मतलब जो खर्चा करते हैं उसमें करप्शन नहीं होता, रिवेन्यू लीकेज जिसको बोलते हैं ना। अगर आप देखोगे कि मीरा भाईंदर में बिजली या जो टैक्स है, सरकार को टैक्स न भरने वाले अमीर लोग भी है, बिल्डर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स भी है, वो पैसा सरकार के पास आता ही नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, या ये जो सरकारी कर्मचारी जो लोग है, अधिकारी है, वो पैसा सरकार में, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, हम जब ट्रैफिक में फंसते हैं, पावती फाड़ेंगे 500 रुपये लगता है, लेकिन 100 रुपये में हो जाता है ना, लेकिन पावती फाड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पावती अगर फाड़ेंगे 500 की तो वो पैसा सरकार के पास आता है। वैसे ही बड़े पैमाने पे टैक्स के माध्यम से जो अलग अलग पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो टैक्स लेते नहीं है, जो करोड़ों से भी ज़्यादा होता है। दिल्ली में वो लीकेज बंद हो गया, दिल्ली में वो टैक्स आना शुरू हो गया, इसीलिए 75,000 करोड़ का बजट हुआ। वो पैसा जनता का पैसा है, जनता के, सरकार के पास आए, और वही तो खर्चा करना है। यही हमारी मूलभूत सोच है जो लेके हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।